बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट विद राबा के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा पट्टी के साथ रोल। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले ये मैदा है, मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब इसको मैं इसमें पानी डाल के इसकी लेई बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और हल कर लेंगे इसको। ये सिर्फ सिंपल मैदा है, मैंने इसमें कोई और चीज़ नहीं डाली है। अच्छी तरह से आप इसको हल्का लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने जी। तो ये हमारी जो लेई है वो जी बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको ऐसे रख लेंगे। ये बाजार की बनी हुई पट्टी है। अब मैं इसमें फिलिंग भरूंगी। फिलिंग आप जो जो भी ले लें। ये देखिए मेरे पास मिक्स सब्जियाँ और उसमें आलू मैंने डाले हैं, तो मैं इसको ये डालूंगी इसमें। सबसे पहले हम इसमें इस तरह से अपना जो भी फिलिंग लेनी है वो डालेंगे। फिर हम इसको इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर हमें इस ये वाला कोना इस तरह से ऐसे करना है और इसी तरह से दूसरा कोना भी इसको ऐसे कर देना है। अब हम इसके इस तरफ लेई लगाएंगे यहाँ पे। बहुत ही आसान है, आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बच्चों के लिए घर में बनाएं या फिर आप तारी के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल खुल भी नहीं रहा है और ये लेई के साथ बिल्कुल जुड़ गया है। तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अपने बनाकर, इसको बॉक्स में बंद करके। तो इस तरह से हम दूसरे भी फिल कर लेंगे। समोसा फोल्ड करना बताएंगे कि आप समोसा कैसे फोल्ड कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम कोना लेंगे और अब इसको हम तकोन लेकर आएंगे कि यहाँ तक ये आसानी से तकोन में आ सके। यहाँ तक ये देखें, इस तरह से इसका ये जो कोना है इसके ऊपर आप हैंड रख लें और यहाँ से यहाँ तक ले आए इसको इस तरह से। फिर आपका ये वाला कोना लेना है इस तरह से, बिल्कुल ये जो कोने हैं बराबर होने चाहिए। इस तरह से आप इसको बराबर लेके आएंगे, ये देखें। फिर हमने इसको यहाँ से लेना है, ये वाला जो कोना है इसको इधर लेके जाना। ये वाला जो कोना है यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। अब इसको हमने यहाँ पर फिर इसको लेके जाना है, ये देखें। अब हम इसको उठा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर जो हमारी फिलिंग है वो डालेंगे इस तरह से। ये हमारी फोल्डिंग जो हमने डाल दी है, अब ये जो हमारा कोना बचा है इसके ऊपर हम अपनी लेई लगाएंगे। तो लेई लगाने के बाद हम इसको ये वाला कोना पकड़ के इसके बिल्कुल इधर लेकर आएंगे। ये वाला कोना बचा है इसको हम इस तरफ भी लेई लगाएंगे। तो इसको ऐसे कर देना। इस तरह से हमारी जो समोसी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये देखें। ये इसको इस तरह से ऐसे लेना है हमने। फिर हमने ये वाला कोना लेना है, फिर हमने इसको इधर लेकर आना है, फिर हमने ये वाला कोना लेना है, तो हमने इसको यहाँ पर लेकर जाना है। ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है, समोसी। तो अब हम इसमें फिर से फिलिंग डालेंगे। इसके अंदर फिलिंग डाल के फिर हम इसके ऊपर लेई लगाएंगे। ये जो हमारा कोना है इसके ऊपर हम लेई लगा के इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे सीधा इसको इस तरह से ले आएंगे। ये वाला कोना बचा है इसको हम इस तरफ को फोल्ड कर देंगे। अब यही वाली समोसा पट्टी है जिसके साथ हम थोड़ा सा बड़ा समोसा बनाना बताएंगे आपको। बिल्कुल इसके सेंटर में इसको लेकर आना है। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर हल्का सा चढ़ाना है, तो इसके ऊपर लगा के तो हमने इसके इस इधर लेई लगानी है इस तरह से। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। मसाला इसके अंदर थोड़ा सा पहले वाली से ज्यादा जाएगा। अब हम इसको इधर इस तरफ इसके लेई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरफ इस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए, एक ही रोल पट्टी से हमने ये 2 समोसे 2 तरीके आपको बताए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बना है और ये वाला जो ये छोटा है थोड़ा सा। तो आप जो भी आपको पसंद हो आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।